IBN 24 न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करें छिंदवाड़ा की, जहां प्रधानमंत्री के आगमन के पूर्व कांग्रेस ने की पत्रकार वार्ता। कांग्रेस ने लगाए मोदी पर कई प्रकार के आरोप। छिंदवाड़ा पीएम के दौरे के पहले कांग्रेस ने प्रेस वार्ता करते हुए मीडिया विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष सैयद सपत ने बोला कि पीएम मोदी को छिंदवाड़ा में वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए पूरी खबर IBN 24 न्यूज पर आशीष मालवी के साथ। मोदी जी की सरकार जब से केंद्र में आई है तब से छिंदवाड़ा का नुकसान हुआ है। जो कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार चलती थी और जो केंद्र की योजनाएं चलती थी, उन योजनाओं को मोदी जी के आने के बाद छिंदवाड़ा में बंद कर दिया गया। जैसे BRGF योजना, IAP योजना, कोदो कुटकी किसानों को लेकर जो योजनाएं थी, इस प्रकार की जो भी योजनाएं थी वो केंद्र सरकार ने बंद कर दी है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को छिंदवाड़ा में वोट मांगने का अधिकार नहीं है। शिवराज सिंह जी ने, प्रकाश जावड़ेकर जी ने, उमा भारती जी ने, प्रहलाद पटेल जी ने, ऐसे बड़े नेताओं ने बार बार आकर छिंदवाड़ा में विकास के सपने दिखाए, लेकिन प्रकाश जावड़ेकर जी मानव संसाधन मंत्री होने के बाद भी छिंदवाड़ा में एक भी स्कूल या सेंट्रल स्कूल जैसी योजना नहीं दे पाए, बल्कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने 7 सेंट्रल स्कूल खोल के दिए।